बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफ़ज़ाल। सबसे पहले आप तमाम लोगों को जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जितने भी हमारे मुसलमान बहन भाई ईद मना रहे हैं, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज 92.8 ईद स्पेशल में स्पेशल क्या है ये हम आपको बताते हैं। आपको अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि हम कहीं बाहर खड़े हुए हैं, बाहर लोकेशन है, क्या लोकेशन है ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले तो जिस तरह हमने रमज़ान में देखा, कहीं से जनाब बिजली की लोड शेडिंग की शिकायत आई, कहीं से महंगाई की शिकायत आई, लेकिन इस गर्मी के मौसम में भी हम तमाम लोग पुरसकून अंदाज़ में रात को चैन की नींद अपने घरों में सोते रहे। रमज़ान इसी तरीके से गुजरा, और ना सिर्फ रमज़ान, तमाम शब व रोज़ मुसलमानों के और पाकिस्तानियों के ऐसे ही यहाँ पर गुजर रहे हैं। हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनसे अगर आप बात करें, जो कि उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम मुसलमानों को समझते हैं, तो उनके ज़बान पर भी एक ही जुमला था, और वो ये था कि हाँ, अगर हम रात को चैन की नींद सोते हैं तो उन अफवाज की वजह से, अपनी उस फौज की वजह से जो कि सरहदों पर हमारे मुल्क की, हमारे नज़रियात की और पाकिस्तान की अवाम की हिफाजत करने पर मामूर हैं। आज हम ऐसे ही जवानों से आपकी मुलाकात कराने आए हैं। पूरे मीडिया में, न्यूज़ में, तमाम बुलेटिन्स की ब्रेकिंग न्यूज़ में हम इस बार बहुत से नाम सुनते रहे। कहीं पर आपने नाम सुना बटल सेक्टर, कहीं पर आपने नाम सुना जिंदरोट, कहीं पर आपने नाम सुना तत्तापानी। यहाँ पर क्या हुआ, क्यों ये ख़बरों की जीनत बने ये नाम कि जी यहाँ पर भारतीय फ़ौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग की है, वहाँ पर भारतीय फ़ौज जो है वो अपनी बौखलाहट में हमारे कश्मीरी बहन भाइयों पर, हमारे पाकिस्तानियों पर, मासूम पाकिस्तानियों पर गोले बरसा रही है। क्या वजूहात हैं इसकी, वजूहात तो हम अक्सर प्रोग्राम्स में भी डिस्कस करते रहते हैं कि ये जो प्रोपेगेंडा है भारत का, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला वो भी है। फिर घर के अंदर, अपने ही घर के अंदर मोदी सरकार को जिस तरीके से हजीमत उठाना पड़ रही है, बहुत सारी उन चीज़ों के हवाले से जो वो माजी के अंदर अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर अपनी आवाम से वादे करके आए थे, वो चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही हैं। मकबूज़ा कश्मीर के अंदर जिस तरीके से इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं वो हमारे सामने हैं। इनके अपने घर में भारत के अंदर कितनी ही अलहदगी पसंदी तंजीमें चल रही हैं वो भी हमारे सामने हैं। और आज हम ऐसी जगह पर मौजूद हैं, ये तत्तापानी जो आपने नाम सुना है वहाँ पर हैं, और यहाँ पर भी पूरे रमज़ान इंडियन एग्रेशन जो है वो जारी रही, और हमारे जो जवान हैं वो भरपूर अंदाज में मुंह तोड़ जवाब जो है वो देते आए हैं। आज हम उन्हीं जवानों से आपकी मुलाकात कराएंगे और आपको ये भी दिखाएंगे कि वो ईद किस अंदाज़ में सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं उसके हवाले से जानते हैं। ये चंबा फीचर तत्तापानी के अंदर, जिस तरह मैं आपको पहले बता रही हूँ, हमारे साथ कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल वसीम अशरफ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच, आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू। सबसे पहले तो बताएं, जो इस वक्त लोग देख रहे हैं कि हम यहाँ पे मौजूद हैं, क्या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है चंबा फीचर के? बेसिकली चंबा फीचर हैज अ वाइटल इम्पोर्टेंस, इट हैज गॉट अ यूनिक हिस्ट्री। 71 वॉर में इंडियंस दे ट्राई टू कैप्चर दिस फीचर। अच्छा। बिकॉज़ दिस फीचर डोमिनेट्स द एरिया कंप्लीट ऑल अराउंड इट, and it also dominates the road between Kotli and Ravalpindi. Okay. Therefore they wanted to capture this feature, ki if they capture this feature to yahan se easily river pooch aur is road ko control kar 71 mein aap keh rahe hain ji 71 war mein they conducted multi directional attack on this feature, lekin Pakistan fauj ke bahadur jawanon ne badi himmat aur daleri se muqabla kiya aur na sirf unko paspa kiya, unko shikast pe majboor kiya, balki they left 305 dead bodies of their soldiers around this feature, including 5 officers. So this was a great achievement, I think, and due to that, due to the sacrifices of our soldiers, we are here today, and we are successfully defending our motherland, and inshallah whenever the enemy tries to make any adventure they'll be paid back. और वो हमने रमज़ान में देखा भी है। अच्छा, ये यहाँ पे मैं देख रही थी कि यहाँ पे मेरे ख्याल से आप बेहतर अंदाज में बता पाएंगे कि जिस तरीके से एनिमी पोस्ट शुरू हो जाती हैं, और इस रमज़ान में एक और चीज़ भी हमने देखी, भारत की तरफ से दावा किया गया, झूठा दावा किया गया कि हमने पाकिस्तानी पोस्टें तबाह कर दी हैं। फिर हमने एक वीडियो रिलीज़ की, वो DGISPR ने, हमने देखा कि वो ट्वीट भी की वीडियो, और तमाम मीडिया ने भी वो वीडियो दिखाई, और हमने बताया कि पोस्टें आखिर तबाह की कैसे जाती हैं। जी बिल्कुल, इंडियंस को जवाब दिया गया,
उनकी जुबान में बेसिकली देवर टारगेटिंग दी सिविल पॉपुलेशन. सिविल पॉपुलेशन के ऊपर वो कंजेक्टिवली फायर कर रहे थे जिससे सिविलियन कैजुअलिटीज बच्चों समेत हो रही थी. तो इसलिए वी डिसाइडेड कि हम उनको जवाब दिया जाए. और आपने जो वीडियो भी देखी है वो इसी सेक्टर की है. इसी सेक्टर की ठीक है. तबाह किया गया उनकी जो कि पोस्ट सिविल पॉपुलेशन को टारगेट. अच्छा, वो कौन सी पोस्ट का दावा कर रहे थे तबाह करने का? बेसिकली पहले तो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया. बिल्कुल. दे क्लेम्ड कि जी हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है. जो सर्जिकल स्ट्राइक मेयर फायरिंग इनटू अनदर टेरिटरी इज नॉट अ सर्जिकल स्ट्राइक. तो वो इट वाज अ फेक क्लेम. दिस इज द एरिया. आप सामने अगर देखें ठीक आपको नजर आता है कि यहाँ पे दे क्लेम्ड कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, लेकिन कोई ऐसी चीज यहाँ पे नहीं हुई और ना ही सर्जिकल स्ट्राइक की है. यस, एक्सचेंज ऑफ फायर टुक प्लेस बिटवीन बोथ द फोर्सेस जो कि रूटीन में चलता रहता है. बट दैट इज नॉट. बट इस रमजान में हमने बहुत ज्यादा देखा है, बहुत फ्रीक्वेंटली ये एग्रेशन नजर आया हमें. It is their policy to target the civil population and more or divert the attention from the situation which is prevailing in the valley. Yeah. वैली से अटेंशन डाइवर्ट की जाए और इंटरनेशनल मीडिया को इस तरफ लेके आ जाए इंस्टेड के वहाँ पे फोकस हो और लोगों को पता चले कि क्या इंडियन फोर्सेज एट्रोसिटीज कर रही हैं. बेसिकली दे वॉन्ट टू डाइवर्ट दी अटेंशन, इसलिए दे आर टारगेटिंग हेयर ऑन LOC. पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट को भी टारगेट करते हैं और सिविल पॉपुलेशन को भी करते हैं, बट उनको जवाब उनकी ही जुबान में ही मिलता है. सही. और ईद का बताइएगा कि यहाँ पर अभी हम आगे जाहिर है प्रोग्राम में जो यहाँ ट्रूप्स हैं उनसे भी मुलाकात करवाएंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो कैसे ईद मना रहे हैं, क्या माहौल क्या होता है, क्या एक्टिविटी होती है पूरे दिन की. ईद में बड़ा अच्छा माहौल होता है. सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़ी जाती है, उसके बाद नमाज ईद अदा करने के बाद जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो अपने जवानों से मिलने के लिए गुल मिल जाते हैं, पोस्टों का विजिट करते हैं, आगे कंपनी लोकेशंस का विजिट करते हैं और जवानों से ईद मिलते हैं. उसके बाद जो हमारी लोकेशंस सेफ हैं जहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो सकती है वहाँ पे हम कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी करा लेते हैं. okay. जवानों के साथ ऑफिसर्स अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को वॉलीबॉल मैच खेल लेते हैं. ठीक है. और दिन को अच्छा खाना खाते हैं, तो बड़ा खाना अपने फौज में बड़ा खाना हो रहा है. ठीक है. खाना ऑर्गेनाइज करते हैं अपने ट्रुप्स के साथ, बड़ा खाना खाते हैं और उसके बाद रात को एक आप कहते हैं पार्टी टाइम, जिसको पार्टी टाइम होता है जिसमें तमाम लोग इकट्ठे होते हैं, कुछ महफिल होती है, कुछ ड्रामा होता है छोटा सा, या गाने बजाने की महफिल हो जाती है. बट दैट इज नॉट कंडक्टेड ऑन फॉरवर्ड पोस्ट. ये जो सेटल्ड बटालियन या कंपनी हेडक्वार्टर है वहाँ पे होता है. फॉरवर्ड पोस्ट की लाइफ जो है वो टिपिकल मिलिट्री लाइफ होती है. उसमें एक अच्छा खाना खा लेता है जवान या घर में फोन पर बात कर लेता है. दैट इज देयर लाइफ. ठीक है. फोन पे बात हो जाती है, फोन पे मुबारकबाद दे दी घर वालों को, मुबारकबाद वसूल कर ली, बट अदरवाइज जाहिर है वो जो फराइज़ मनसबी सर अंजाम दे रहे हैं उसी पर मामूर रहते हैं. कैप्टन माज मैं देख रही हूँ, आप बात करना चाहेंगे ईद के मौके पर, पैगाम देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? बिल्कुल. पूरे पाकिस्तान को मैं अपनी तरफ से और अपनी पाक फौज की तरफ से ईद मुबारक देना चाहूँगा और उनको इस चीज़ का दिलासा देना चाहूँगा कि भाई हम यहाँ पे खड़े हैं आप लोगों की हिफाजत के लिए. आप लोग सुकून से ईद मनाएं और खुशी मनाएं और घर वालों के साथ सेलिब्रेट करें. जस्ट एंजॉय योरसेल्फ. जस्ट एंजॉय योरसेल्फ, ये वो जज्बा है जिसकी मैं पहले बात कर रही थी कि ये वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है जो पाकिस्तानी अवाम को हमारे इस फौज से मिलती है, हमारे इन ऑफिसर्स, हमारे इन जवानों से मिलती है. वो जवान जो आज ईद के रोज़ भी ड्यूटी अपनी सरंजाम दे रहे हैं, आइए चलते हैं और आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं और ईद कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं ये ख़ास तौर से सवाल उनसे होगा, वो भी जानते हैं. जी वेलकम बैक एक बार प्रोग्राम में फिर से खुश आमदीद. 92.8 विद सादिया अफजाल आप देख रहे हैं ईद स्पेशल और जैसे हमने आपको बताया कि आज हम ईद अपने ट्रूप्स के साथ मना रहे हैं, अपने वो जवान जो यहाँ पर रमज़ान के दिनों में भी हमें अपनी ड्यूटीज़ पर सरंजाम नज़र आए और साथ ही साथ ये जो रमज़ान के महीने में बहुत ही ज़्यादा LOC पर हमने देखा कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की गई उसका भी भरपूर मुँह तोड़ अंदाज में जवाब देते हुए नज़र आए. कर्नल वसीम सब हमारे साथ मौजूद हैं और ईद किस तरीके से यहाँ पर मनाई जाती है उसका तो आप बता ही रहे थे. मेरे ख्याल से कुछ यहाँ पर जो जवान हैं कर्नल साहब उनसे पहले बात करते हैं. ईद मुबारक. जवान क्या हाल है? ईद ठीक है? तो हम ठीक ठाक सर. यार बात हुई है? बिल्कुल सर. तो कैसी गुजरी है ईद? बिल्कुल ज़बरदस्त सर गुजरी है. अच्छा, बच्चे ठीक हैं? बच्चे ठीक ठाक सर. अच्छा गुड. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम. ईद मुबारक. वालेकुम अस्सलाम.
मुबारक सर। बेगम ठीक हो? घर में खैरियत है? शुक्र। अच्छा तो ईद कैसी जा रही है? बहुत ज़बरदस्त सर। अच्छा गुड, ज़बरदस्त। दुश्मन को जवाब देंगे इंशाल्लाह। दुश्मन ने अगर फायर किया तो सर फायर के बदले SPG-9 का फायर जाएगा। अच्छा गुड। दुश्मन को पता चलना चाहिए ईद तो हमारी आवाम कर रही है, हम ईद भी करेंगे साथ और दुश्मन को जवाब भी देंगे जो जुबान वो समझता है इंशाल्लाह। ठीक है गुड शाबाश। ज़बरदस्त कि ईद के मौके पर भी हम देख रहे हैं कि ईद यहाँ पर ही सेलिब्रेट हो रही है, जिस तरह अभी कर्नल साहब भी बता रहे थे कि बहुत सारे क्या तकरीबन तमाम ही लोग जो हैं वो फ़ोन पे अपने घर बार फ़ोन कर लेते हैं, घर वालों को ईद विश कर देते हैं और इसी तरीके से ईद वसूल भी कर लेते हैं। लेकिन हमारी तरफ से जो ईदी दी जा रही है और 92 न्यूज़ यहाँ पर अपने ट्रूप्स को ये एहसास दिलाना चाहता है कि यहाँ पर ईद सेलिब्रेट करते हुए वो अकेले नहीं है बल्कि पूरी कौम जो है वो आपके साथ है। ये आपके लिए, ये आपके लिए। आई थिंक हम वहाँ पे भी चलते हैं करने साहब, वो जो बंकर में हमें एक जवान नज़र आ रहे हैं उनसे भी ज़रा बात करते हैं। कैसी ईद गुजर रही है आपकी? जी सर ज़बरदस्त गुजर रही है इंशाल्लाह। अच्छा सर। क्या किया सुबह से आपने? सुबह से सर ड्यूटी पे थे इंशाल्लाह। तो क्योंकि हमारी सर ये ड्यूटी इस तरह की कि यहाँ पे LOC की लगातार खिलाफ वर्जी हो जाती है जिसमें हमारे सिविलियन दोनों तरफ के, उधर भी हमारे भाई है इधर भी हमारे भाई, बिल्कुल दोनों मुसलमान हैं। तो जब तक हम अपनी ड्यूटी टाइट नहीं करेंगे ये जवान ना ईद मना सकते हैं ना अपने रिश्तेदारों के घर जा सकते हैं। इनको खौफ रहता है, कोई चढ़ाई चढ़ते हैं कोई रोड जाते हैं, इनको यही डर होता है कि अभी आई अभी आई। तो जब तक हम अपने फर्ज को, हमने जो हलाल रिज़्क कमा रहे हैं इसको हम हलाल नहीं करेंगे तो हमारे जवान, हमारे भाई, हमारे बच्चे आराम से नहीं सो सकेंगे, ना आराम कर सकेंगे ना वो किसी खुशी में शरीक हो सकेंगे। आपको पता है पूरी कौम आप पर फख्र करती है, आपके जज्बे को सलाम करती है। बिल्कुल सर करती है सर। और आज के रोज जो आप पैगाम दे रहे हैं वो भी यकीनी तौर पे हम सबके लिए हौसला अफजा है। अस्सलाम वालेकुम, आपसे भी बात करते हैं। ईद मुबारक आपको भी। कैसी गुजरी ईद आपकी? बहुत शुक्रिया आप लोगों के लिए। और ईद पे आप लोग क्या करते हैं ये आवाम तक पहुंचाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं? बात ये है कि हमारे घर बात भी हुई है तो ईद जन्म सही मिला रहे हैं तो आवाम भी इसमें खुश है। हम ये भी आवाम को कह सकते हैं कि हम एक दिफा में खड़े हैं। बिल्कुल खड़े हैं बिल्कुल। तो इसलिए हम यहाँ से घर आने के लिए हमारे बाला कमांडर हैं बड़े जो हैं उनके साथ ईद भी एक बहुत अच्छी बड़ी वो भी घर की तरह हो जाती ना, घर वाले ही हैं सारे। बिल्कुल सर। तो बात होने के बावजूद और दिफा हमेशा जो दुश्मन जो होता है वो मौके की तलाश में होता है। आज हमारे अवाम है जितने भी लोग हैं हमारे कंधे पे सर पे खड़ा होके वो ईद मना रहे हैं, हम ये कहते हैं कि उनको कोई इस तरह का मौका ना मिले। तो अगर आज दुश्मन ने फिर से कोई छेड़खानी करने की कोशिश की ईद के दिन? नहीं की, जो आज करेंगे। नहीं अगर की तो? की तो गोली के बदले गोली, मिसाइल के बदले मिसाइल। वाह, यही आवाम जो है जब सुनती है तो यकीनी तौर पे उनमें हौसला भी पैदा होता है। और जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि जो हमारे सिविलियंस हैं वो जब तक ये जानते हैं कि पाक फ़ौज यहाँ पर मौजूद है उनकी हिफाजत के लिए, तो यकीन जानिए जिस कदर मेरी मुलाकातें हुई हैं यहाँ पर जो सिविलियन आबादी है हमारी, जो यहाँ के मकामी शहरी हैं, वो बहुत खुश और मुतमईन नज़र आते हैं सिर्फ अपनी इस फ़ौज की वजह से। आप क्या पैगाम देंगे ईद के रोज़? बस पूरे पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि वो मिलजुल के रहे और तमाम खुशियाँ बांटे रहे और हमारे को भी दुआ में याद करेंगे और हम उनको दुआ में याद करेंगे। घर वालों से बात हो गई आपकी फ़ोन पे? घर वालों से बात हो गई, सुबह फर्स्ट टाइम हो गई थी। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह घर में भी खैरियत है, रिश्तेदार सारे ठीक ठाक है, वो भी ईद की मुबारकबादी दे। ठीक। अच्छा फारिग होने का तो आई एम श्योर आप लोगों को उस तरह से टाइम नहीं मिलता होगा यहाँ पे जिस तरीके से 24 घंटे चौकन्ना रहना पड़ता है, लेकिन अगर कोई टाइम मिल जाए तो क्या तफरी क्या होती है यहाँ पे? तफरी यही पोस्ट का जो माहौल होता है ये घर की तरह होता है, तो आपस में हम अपना शुगल मेला लगा लेते हैं और टेम अच्छा गुजर। क्या शुगल मेला लगाते हैं? शुगल मेला ये कोई गाना शाना बंदा का। गाना गाते हैं आप? नहीं हम तो नहीं गाते। नहीं आज वैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि गाना सुना दें जो लोग आपको देख रहे हैं, ईद है तो आपकी तरफ से ईदी मिल जाएगी ना पाकिस्तानी आवाम को थोड़ा सा? कभी गाया तो नहीं है। कोशिश करें कोशिश करें पश्तो में गा दें बेशक। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान।
जबरदस्त। और ईद के रोज वो जो कह रहे हैं कि जी तफरी यही हो जाती है क्योंकि ये घर का माहौल है और घर वालों की तरह रह रहे हैं तमाम लोग मिलके। ये हमारी तरफ से आपके लिए ईद के लिए छोटा सा तोहफा, और ये आपके लिए 92 न्यूज़ की जानिब से, और ये आपके लिए बहुत शुक्रिया। जी, और यहाँ पर कुछ और जवानों से आपकी इस वक्त प्रोग्राम में मुलाकात करवाते हैं, बात करवाते हैं। SPG 9 मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, रॉकेट्स पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। पहले तो अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक आप लोगों को। खैर मुबारक आपको। कैसी ईद गुजरी? हमारी ईद बहुत ज़बरदस्त गुजर रही है और बहुत खुशी से मना रहे हैं हम ईद, इसलिए हम सारे भाई इधर इकट्ठे हैं और ईद बहुत खुशी से मना रहे हैं। आपको भी बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक मैडम, आपको मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आप लोगों के लिए आए हैं ताकि आप लोग जो ड्यूटी पर मामूर हैं इस वक्त ईद के रोज़, वो आवाम उन्हें देखे और मुतासिर भी हो और आपको सलाम भी पेश करे, और उनका सलाम लेकर हम आप तक पहुँचे। जी मैडम, हम आज ईद है, ईद को खुशी है हमें भी और हमारे बहन भाइयों को, हमारे माँ वालदेन को ईद मुबारक हो, हमारे पाकिस्तान अवाम को ईद मुबारक। फ़ोन पे बात हो गई, सबको घर वालों को मुबारकबाद दे दी? जी दे दी, और हम भी कहते हैं इससे भी। शिकवा आया कि घर नहीं आया? जी शिकवा तो नहीं है, हमें हमारे वालदैन को हमारे ऊपर फख्र है, फख्र है। हम दिफा के अंदर खड़े हैं, दुश्मन के आँख में आँख डाल के खड़े हैं हम। इंशाल्लाह हम दुश्मन को जिस कालीपार से वो फायर करेगा उस कालीपार से हम उसको जवाब देंगे। जबरदस्त। अच्छा, ये SPG 9 मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर लगी हुई, आप यहाँ पर थी और मैं देख रही थी, यहाँ से बताया जा रहा है कि बिल्कुल सामने एनिमी पोस्ट नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल सामने, इधर से 935 मीटर है एनिमी की पोस्ट, और जब भी एनिमी हमारे ऊपर रॉकेट फायर करेगा हम भी उसी को इसी से जवाब देंगे, और इंशाल्लाह हम एनिमी अगर हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, वो जिस कलेबार से हमारे ऊपर अटैक करेगा हम भी करेंगे, और अगर वो मस्ती करेगा तो हम भी ईद मनाएंगे। फिर आप ईद मनाएंगे? कैसे ईद मनाएंगे फिर, अगर दुश्मन मस्ती करता है तो? आप बताएं क्या करें? रॉकेट के साथ ईदी देंगे। ईद के दिन अगर दुश्मन मस्ती करेगा तो रॉकेट के साथ ईदी मिलेगी, आप क्या कह रहे हैं? इंशाल्लाह इसी तरह होगा। ईद का जवाब अगर दुश्मन मस्ती करता है आज के रोज तो उसको रॉकेट से देंगे, लेकिन हम कुछ छोटा सा ईद का तोहफा आप लोगों के लिए लाए हुए, ये हमारी तरफ से आप लोगों के लिए। जी ये आपके लिए, और ये आपके लिए, और इसी तरीके से जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते रहें, और पूरी कौम को आप पर फख्र है। ईद स्पेशल आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ पर, और जैसे हमने आपको पहले बताया कि आज प्रोग्राम का मकसद क्या है, आज ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं हम अपने ट्रूप्स के साथ, उन जवानों के साथ जो बहादुर जवान हैं हमारे, जो इस गर्मी के मौसम में और रमज़ान मुबारक के महीने में भी हमने देखा है कि भारतीय जारहियत को फाइट करते आए हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब देते आए हैं, जो एग्रेशन हमने भारत की जानिब से देखी है, और साथ ही साथ ईद के रोज़ भी अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रहे हैं, ड्यूटी पर मामूर हैं। इस वक्त मुझे कुछ हमारे जवान यहाँ बंकर में नज़र आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि वो आज ईद किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? खैरियत अल्लाह। ईद मुबारक। खैर मुबारक। तो सीरियस क्यों? नहीं नहीं कोई सीरियस नहीं। ईद के दिन इतने संजीदा क्यों? नहीं कोई सीरियस। आप हंस रहे हैं ना? जी जी। अच्छे लग रहे हैं? जी जी। इधर आइए। रोज़ों में हमने देखा है कि बड़ा ज़्यादा, और ख़ास तौर से ऑब्वियसली जहाँ पे हम मौजूद हैं, ये चंबा सेक्टर तत्ता पानी का ये इलाका, ये बड़ा ख़बरों में इन रहा है क्योंकि भारतीय जारियत यहाँ पे जारी रही है। तो कैसा था कि रोज़ों में ज़ाहिर है एक मज़हबी फरीज़ा, रोज़े भी रख रहे हैं, गर्मी का मौसम भी, और फिर अपनी ड्यूटी भी सर? वो रोज़ों में जिस टाइम एक दिन ऐसे हुआ कि अफ्तारी का टाइम था तो फायरिंग शुरू हो गई, रोज़ा अफ्तारी का टाइम हो रहा था उस टाइम, तो उधर से उन्होंने फायर किया, इधर से हमने भी फायर किया, तो उधर से उन गोले मार्टर के मार रहे थे, इधर से हमारी भी 120 और 81 मार्टर ये फायर कर रहे थे तारी के टाइम पे, तो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया दुश्मन को।
जबरदस्त। देखिए ये वो जवान है, ये वो जज्बा है जो आज इस प्रोग्राम के थ्रू आप तक पहुंचाना था, जो कि ईद के रोज भी हमें नजर आ रहा है। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? अल्लाह का शुक्र है कि इधर हम बड़ी खुशी से ईद गुजार रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हम घर वालों के साथ होते तो सिर्फ घर वालों के साथ खुशी से ईद गुजारते। हमारे इधर रहने का मकसद ये है कि हमारे इधर रहने से पूरा पाकिस्तान खुशी से ईद गुजार रहे हैं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत बात इन्होंने किया कि घर वालों के साथ होते तो सिर्फ घर वाले खुश होते, घर वालों के साथ खुशी मना रहे होते, लेकिन आज यहाँ ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं तो इनकी वजह से पूरा पाकिस्तान बखुशी ईद मना रहा है। आपके इसी जज्बे को पूरी कौम सलाम करती है, आपको पता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम खून के आखिरी कतरे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे इंशाल्लाह इंडिया के साथ। जज्बाती हो रहे हैं, ये देखें इनकी आंखों में इस वक्त आंसू आपको नजर आ रहे होंगे कि ये वो जज्बा है जो मुल्क के लिए है, ये वो जज्बा है जो मुल्क के अवाम के लिए। क्या पैगाम देंगे इस वक्त जो लोग आपको देख रहे हैं? मैं तो और सुनना चाहूंगी आपसे। मेरी तरफ से यही पैगाम है कि वो पाकिस्तान आर्मी की भरपूर जो है हिमायत करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी के साथ जब ये मुल्क के लोग शाना बशाना खड़े होंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी किसी से कम नहीं है, और पाकिस्तान आर्मी दुनिया की बेहतरीन आर्मी है और दुनिया में मानी जाने वाली आर्मी है। और अल्लाह का शुक्र है कि इंडिया तो पाकिस्तान आर्मी के लिए बाएं हाथ का खेल है, इंडिया हमारी फौज के लिए बाएं हाथ का खेल है। इनका पैगाम भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद के मौके पे जो लोग आपको देख रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है बहुत हम खुश हैं, बहुत खुश ईद मना रहे हैं। तो कोई ऐसा हमें कोई मसला नहीं करता क्योंकि हमारी वजह से आने पर, लेकिन घर से तो आई होगी ना फरमाइश के इस दफा ईद घर वालों के साथ मनाएं, घर आएं। अगर हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हमारी वजह से उधर खुश से ईद मना सकते हैं तो हम भी खुश हैं उसकी वजह से। यही जो प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने जहाँ से बात शुरू की थी कि वो जज्बा जो हमारे इन फौजियों को, हमारे इन जवानों को अपनी ड्यूटी सरंजाम देने के लिए, सिर्फ ये समझ के नहीं कि ये हमारा फ़र्ज है, ये समझ के कि हम मुल्क के लिए और मुल्क के अवाम के लिए कर रहे हैं। और ईद के रोज़ भी जिस तरह इन्होंने कहा कि हमारी वजह से अगर पूरा पाकिस्तान, हमारे मुल्क की तमाम अवाम बखुशी और बिल्कुल खैरियत और आफियत के साथ ईद मना रहे हैं तो ये जवान मत भूलिए। इसी जज्बे को, जिस जज्बे की आज हम यहाँ तारीफ भी कर रहे हैं और आप तक भी पहुँचा रहे हैं ईद के रोज़, ये लाइएगा ज़रा, ये हमारी तरफ से आपके लिए छोटा सा तोहफा ईद के लिए, ये आपके लिए, ईद मुबारक आपको एक बार फिर से, और ये आपके लिए। और वीर जिस तरीके से हम अभी आप बात कर रहे थे कि जो भारतीय जारहियत है और आए रोज़ आप देखते हैं कि LOC पर सीज़ फायर के ख़िलाफ़ वर्जी नज़र आती है, यहाँ पर हमारे शहरी ज़ख्मी होते हैं, शहीद होते हैं। इस वक्त मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, अगर आपको नज़र आए कैमरा जूमिंग करके आपको दिखाएगा कि वहाँ पर आपको एनिमी पोजिशन जो है वो यहाँ से वाज़े नज़र आ सकती है। यहाँ पर कुछ हमारे साथ मकामी आबादी, यहाँ के जो सिविलियंस हैं, यहाँ के जो रिहायशी हैं, शहरी हैं, वो मौजूद हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि हर दूसरे रोज़ ये जो भारतीय जारहियत का इस अंदाज़ में मुजाहरा होता है उस पर ये क्या कहते हैं। सामने को आप क्या कहेंगे कि हर दूसरे तीसरे रोज़ हम देखते हैं कि ये जो वाक़यात हैं सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी के, ये बढ़ते चले जा रहे हैं? जी भारत सिविल आबादी पर दहशतगर्दी कर रहा है और आए रोज़ वो स्कूलों, मस्जिद और घरों पर वो फायरिंग करता है जिससे हमारे बहुत से शहरी शहीद हुए और हमारी फ़ौज उसका भरपूर जवाब दे रही है जो उसका, लेकिन हमारा बहुत नुकसान कर रहे हैं वो, हमें जो है ना वो हर लिहाज से जो है ना वो परेशान कर रहे हैं। तहरीक आज़ादी जो है उस तरफ ज़रूर पे है और हमें इस तरफ वो तकलीफ़ दे रहे हैं, उसका रिएक्शन वो इधर निकाल रहे हैं। और ये जिस तरीके से इन्होंने बात की ना कि तहरीक आज़ादी, अगर हम सिर्फ मकबूज़ा कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर तो हर गुजरते दिन के साथ ये तहरीक जो है ये ज़ोर पकड़ती जा ही रही है, बट अदरवाइज भी भारत के अपने अंदर आपको अलहदगी की कितनी तहरीक चलती नज़र आती हैं, वहाँ पर फोकस नहीं है भारत का, वहाँ पर तवज्जो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी मकामी आबादी है उसको ज़रूर निशाना बनाया जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस जारहियत को? मैं ये समझता हूँ कि तहरीक आज़ादी कश्मीर अपने आखिरी उस कटारे तक पहुँचने वाली है और उसके हिंदुस्तान को इस बात का पता है कि ये लोग अपनी आज़ादी असल कल के रहेंगे। उसने इस पार के जो लोग हैं जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, इस तरफ के लोगों को उस निशाना बनाया हुआ है। चंद दिन कबल हमारे घर के पास हमारी फैमिली के फजल अहमद साहब शहीद हो गए
اور دوسرے دن دو نوجوان میٹرک کا طالب علم تھا وقاص اور یونس وہ شہید ہو گئے ہیں. آپ کی بیک سائڈ پر جو بٹل سیکٹر ہے یہاں پر جہانگیر قریشی کے دو بیٹے زخمی ہیں اور اس طرف جو سات اس کا علاقہ ہے منڈول صبر سائن صاحب ہیں ان کی دو بیٹیاں زخمی ہوئی ہیں. اسی طرح ہماری املاک ہمارے جانوار آئے روز وہ زخمی ہوتے ہیں. ہم لوگ نے گھر نہیں چھوڑنے, ہم نے مقابلہ کرنا ہے, ہم نے یہیں پر رہنا ہے. آپ کی جرات اور حوصلے کو سلام ہے. اور یہ ہمارے وہ غیور کشمیری بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے یہیں پر رہنا ہے, پاک فوج جو ہے وہ ہمیں تحفظ فراہم کر رہی ہے. آپ کچھ کہنا جی؟ بس یہ جیسا یہ کہہ رہے تھے ہمیں موت کی ضرورت ہے. ہم چھوٹے بچوں کو صبح جو اسکول بھیجتے ہیں نا تو وہ اسکول تو جاتے ہیں, لیکن ہمیں ان کے آنے کی امید نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں آئیں گے یا نہیں. پچھلے دن اچانک گولے شروع ہو گئے تو ایک بچے اسکول تک پہنچا, دوسرا راستے میں رہ گیا کہیں آگے پیچھے چھپ گیا. تو ہم نے ڈھونڈ رہے تو اوپر سے گولے پڑ رہے تھے اور ہم اس کو ڈھونڈ رہے تھے. تو ہمیں ساتھ جو والدین کے لیے کتنی یہ پریشانی کا سبب بنتا ہے ڈیفینیٹلی کہ جی آپ کو انسرٹنٹی کے اندر آپ رہ رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتہ کہ کب دشمن جو ہے وہ آپ کو اس طریقے سے نشانہ بنانا شروع کر دے گا. ایک بریک لیں گے یہاں پہ اور بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. 92.8 ایٹ اسپیشل دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ بارڈر پر ہمارے جوان کی جو زندگی ہے وہ کیسی ہوتی ہے. اور رمضان کے حوالے سے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ روزے کس طریقے سے گزرے انڈین ایگریشن کو فائٹ کرتے ہوئے شدید گرمی کے اندر, اور اب عید کیسے گزر رہی ہے. کھانا وغیرہ چل رہا تھا وہ تو ہم دیکھ رہے تھے. کچھ اور لوگوں سے یہاں پہ بات کرتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس کے حوالے سے, لوگوں کو کیا پیغام دیں گے اور یہاں پہ کس طریقے سے کیا ایکٹیویٹیز چلتی ہیں؟ اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پورے پاکستان کو آج اس مبارک موقع کے اوپر عید مبارک دوں گا, پوری اپنی سپاہ کی طرف سے, اپنی فوج کی طرف سے. اور آج اس موقع کے اوپر میں اپنی پوری قوم کو یہ پیغام دوں گا کہ جب تک اس قوم کے بیٹے اپنے محافظ ان سرحدوں پہ سینہ سپر ہیں تو قوم کو چاہیے وہ جذبے ہمت اور خوشی کے ساتھ عید منائے. اور آج ہم یہ ثابت کر رہے ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں, آپ بھی ہمارا پیغام قوم تک پہنچائیں کہ آپ کی یہ بہادر قوم کے بہادر سپوت کس طریقے سے عید کے اوپر خوشیاں منا رہے ہیں. اور بالکل اسی لیے تو آئے ہیں ہم یہاں کہ عوام کو دکھائیں کہ یہاں پر کیسے آپ لوگ عید کس جذبے کے ساتھ منائیں. اپنی عوام کے ساتھ ساتھ اور سرحد کے اس پار جو اس کو وہ اپنی سینا کہتے ہیں, سینا کے لیے پیغام ہے کہ اگر اب کبھی تمہارا یہ ارادہ بنے تو کائنڈلی 3 جون والی مووی دیکھنا, آپ کو اپنی جو ناکام کاروائی ہیں ان کا بہترین جواب مل جائے گا. 3 جون والی مووی دیکھنا بالکل صحیح. آپ کیا کہنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عید کے اور مشرف موقع پہ ایک تو میں تمام اہل وطن کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. مجھے فخر ہے پاکستان پہ اور فخر ہے پاک آرمی پہ جس نے یہ دشمن کے اوپر اپنی ہیبت طاری کی ہوئی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہماری وجہ سے ہمارے مسلمان بھائی جو ہے ملک پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بہتر طریقے سے پرامن طریقے سے جو ہے وہ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں. دن تو گزر گیا آپ لوگوں کا اسی طریقے سے اپنی ڈیوٹی پر بھی, پھر کھانا بھی ہو گیا, اور کیا کرتے ہیں اب تو رات ہو گئی شام ہو گئی. اور کوئی کسی کا انڈیویجول دل کرتا ہے کہ کوئی سوئیاں کھانے کا, کوئی سویٹ کھانے کا, کوئی گوشت کھانے کا, تو ذاتی طور پہ سلف کوکنگ کرتے ہیں. تو مجھے ڈھول بھی یہاں پہ نظر آ رہا گانا بجا جو ہے وہ اب ایک چھوٹا سا پروگرام جو ہے وہ ہم نے تشکیل دیے ہوئے ہے یہ اپنے جوانوں کے لیے تاکہ جو ہے وہ مطلب رمضان گزرا ہے اور اس کے عید کا موقع ہے تو خوشی کا دن ہے اور جو ہے مطلب کہ اس موقع پہ ہم جو ہے وہ تھوڑی سی ریفریشمنٹ کے لیے. کون گاتا ہے اچھا یہاں پہ؟ یہ ہمارے ساتھ علی ہے جو کہ مطلب علی آپ گاتے ہیں؟ اچھا چلے زبردست. ویسے وہ کدھر گئے؟ مجھے بتایا گیا تھا یہاں پہ کیپٹن منیب ہیں جن کی نئی نئی شادی ہوئی. کہاں ہیں وہ؟ ادھر آئے. آ جائے آ جائے کیمرے پہ آئے. ان کو بھی مبارکباد نئی نئی شادی کی, اور آپ کے لیے میرے خیال سے کچھ ان سے سنتے ہیں. کیا ان کو پیغام دیں گے؟ آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ فرمائش کر دیں جلدی سے. نہیں نہیں, یہ ٹروپس ہیں میرے بھائی ہیں سارے, اور اس عید کے موقع پہ انشاءاللہ ان کے ساتھ خوشی مل کے منائیں گے, اور خاص طور پہ اپنی قوم کے لیے کہ انشاءاللہ آپ کی خوشی میں ہماری خوشی ہے. ہم یا آپ خوش ہیں تو ہماری خوشی دوبالا ہو جاتی ہے. اور اپنی فیملی کے خاص طور پہ اپنی مسز کے لیے فرسٹ عید ہے. کو پیغام تو جانا چاہیے. فرسٹ عید ہے لیکن فوجی کے گھر والے بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں,
तो इंशाल्लाह कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईद पे साथ होंगे, इस बार अपने भाइयों के साथ। ये देख लें नई नई शादी हुई है और फिर भी साथ नहीं है बेगम, तो क्यों ना कैप्टन मुनीब के लिए कुछ हो जाए। ठीक है जी। चनक था गुजारे रात वे, चनक था गुजारे रात वे, मेरा जी दलीला देवात वे, चनक था गुजारे किथा गुजारे किथा गुजारे। कोठे ते पिड़ कोठड़ा वे माही, कोठे सुख दिया तोरियां, कोठे ते पिड़ कोठड़ा वे माही, कोठे सुख दिया तोरियां, कालियां राता कालियां राता देख के मैं नपियां तेरियां चोरियां। चनक था गुजारी आई रात वे, मेरा जी दलीला देवात वे, चनक था गुजारी आई किथा गुजारी आई। कोठे ते पिण कोठड़ा वे माही, कोठे बैठा का भला, कोठे ते पिण कोठड़ा माही, कोठे बैठा का भला, तू तसाकू भूल गए मैं अज भी तेरी हां भला। चनक था गुजारी आई रात वे, मेरा जी दलीला देवात वे, चनक था गुजारी आई किथा गुजारी आई किथा गुजारी आई। कोई रोई याद करे भोला बल्ला तू इतिहास मेरे बेटे, भोला बल्ला तू कोई रोई याद करे, कोई रोई याद करे। बंगला
بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آپ لوگوں کے ساتھ آج ہمارا عید کا ہی پہلا روز گزرا, اور عوام کو, ہماری پاکستانی ویورز جو دیکھ رہے ہیں عید کے موقع پر, آپ کو بھی پتہ چلا کہ بارڈر پر کس طریقے سے عید منائی جا رہی ہے. یہ ہماری طرف سے کچھ تحائف آپ لوگوں کے لیے, یہ آپ کے لیے, اور بہت زبردست گایا, کہاں گئے وہ, یہ آپ کے لیے. بہت اچھی آواز ہے آپ کی, اور آپ لوگوں نے جو جناب لڈیاں ڈالی ہیں وہ بھی کمال کی تھی. ڈھول پہ کون تھا بھائی؟ یس, بہت اعلیٰ, بہت زبردست آپ کے لیے. تو اب آپ لوگوں کے ساتھ ہم یہاں پر رہے ہیں, اور جو ہماری افواج پاکستان اور خصوصاً آپ لوگ جو بارڈر پہ ہیں, جس انداز میں اس وطن کی حفاظت کر رہے ہیں, جس انداز میں آپ یہ ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں, عوام یقینی طور پہ آپ کو سلام کرتی ہے. اور ہم کس نعرے کے ساتھ پروگرام کلوز کریں گے؟ نعرہ تکبیر.